गुरुवार से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गईं। गोरखपुर में कुल 212 केंद्र बनाए गए, जहां पर 151,689 बच्चे परीक्षाएं देंगे। इस बार की परीक्षा को सुचितापूर्व संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। इस संबंध में अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर की प्रधानाचार्य रेमी यादव ने बताया कि परीक्षा को सुचितापूर्व संपन्न कराने के लिए विद्यालय परिसर व भवन में CCTV कैमरे के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं, ताकि किसी तरह की नकल की कोई संभावना ना बन सके। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड और जिला मजिस्ट्रेट की टीम इन सभी परीक्षा केंद्रों का दौरा कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अयोध्या दास कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर की प्रधानाचार्य रेमी यादव ने कहा, यहाँ पर पूरा एक हाँ कैंसिल करिए, ओके करिए, क्रम में विद्यालय की भेजेंगे ना, तभी ना रेमी यादव। आज मॉर्निंग में हाई स्कूल संगीत गायन की परीक्षा है और विद्यालय पर पंजीकृत छात्राओं की संख्या 79 है, जिसमें 3 बच्चे एब्सेंट हैं, 76 प्रेजेंट हैं। परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं? CCTV कैमरा या वॉइस रिकॉर्डर लगाए गए हैं कि नहीं लगाए? नहीं, सभी कमरों में डबल CCTV कैमरे हैं, वॉइस रिकॉर्डर हैं। नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए क्या कुछ अलग से तैयारियाँ की गई? नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए सचल दस्ते जैसे पहले बने हुए थे बने हुए हैं, और कॉलेज में भी सचल दस्ते हैं अपने, और मोचक हैं, और मोबाइल बैग जमा करने के लिए जगह निर्धारित है। गेट पर भी 3-4 टीचर्स चेकिंग की हुई हैं, और सभी बच्चों को प्रवेश पत्र रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर आना अनिवार्य है।